नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नी और आपका स्वागत है ब्लॉग्स बाय न्यू चैनल में। आज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं हमारा जो सैमसंग A70 का जो वाइड स्क्रीन जो बेसिकली मोड है 2840x1200 pixels, ये और वाइड एंगल में एक्चुअली ज़्यादातर इसका जो है पिक्सल रेशियो है। और सुना है कि इसका जो है ऑलमोस्ट मूवी का जो सिनेमास्कोप का जो लेवल है उसके हिसाब से इसका जो है रेजोल्यूशन आता है। अब एक चीज़ है, यूट्यूब में जो हम लोग ये डालते हैं इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि 1920x1080 का पिक्सल नहीं है, उसके कारण हम लोग इसमें एन कार्ड्स नहीं डाल सकते। लेकिन ये एक्चुअली ऑलमोस्ट अल्ट्रा हाई एचडी फ्रीक्वेंसी है, सॉरी अल्ट्रा एचडी फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, यार क्या करूँ, साउंड इंजीनियर रहेगा इसलिए फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा डिटेल आता है। तो अल्ट्रा एचडी का पूरा इसका क्वालिटी है, मोर देन फुल एचडी। तो देखिए आप इसका जो है, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। यह है फ्रंट कैमरा जो है मेरा फ़ोन का जो है A70 का, और आप लोगों को पीछे का भी कैमरे का क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी इन दोनों कैमरा का आगे और पीछे, क्योंकि मैंने जितना टेस्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया मेरा पिछले वीडियो पे मैंने दिखाया था कि इसका जो स्टेबलाइजेशन है बहुत ही बेहतरीन स्टेबलाइजेशन है। तो देखिए दोस्तों, अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ याविन को पिक करने के लिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा गुफ्तगू करेंगे। आप जो देख रहे हो अभी, ये है एक्चुअली क्लोज एंगल व्यू, और ये सेम कैमरा में वाइड एंगल व्यू। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है इसका। अभी ये पूरा वाइड एंगल व्यू है और ये नॉर्मल रेगुलर कैमरा का व्यू। तो ये अभी यहाँ पे लिफ्ट में है, ये है क्लोज एंगल व्यू, स्टे देयर, और ये सेम शॉट वाइड एंगल व्यू। वाइड एंगल व्यू में थोड़ा सा फ़र्क देखा है मैंने कि इसका जो अपर्चर साइज़ है बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, तो इसलिए डार्क सिचुएशंस पे हम लोग वाइड एंगल व्यू ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो वो एक प्रॉब्लम है। यह भी वाइड एंगल व्यू है। यह है नॉर्मल व्यू अभी जो हम ले रहे हैं शॉट, और यह है वाइड एंगल व्यू। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है इसमें। अभी पूरा एम्बर का जो है पूरा बॉडी आ चुका है इसमें, ये देखिए सेम शॉट नॉर्मल व्यू। लेकिन आज नॉर्मल में क्या होता है, अपर्चर साइज जो है बहुत ही अच्छा खासा ब्लर इफेक्ट मिलता है बैकग्राउंड का। एम्बा 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 स्टीव, ये देखिए बहुत ही क्लैरिटी है इनका, जो स्किन का टेक्सचर सब कुछ है। हिम्बा, तो हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया इसका जो बोथ जो लेंसेज है पीछे और आगे का जो, लेकिन आगे में जो ऑप्शन है जो वाइड और नॉर्मल व्यू का जो ऑप्शन है, वाइड एंगल व्यू है नहीं इसमें, तो वाइड एंगल रिकॉर्डिंग का मेरे को लग रहा है इसमें है नहीं, लेकिन पीछे का कैमरा में है, तो वो भी एक फ़ायदा है। लेकिन फिर भी आगे का भी आप देख लीजिए, पूरा 2840x1200 pixels का है अभी भी। तो बस ये क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहता था, और आप बताइए खुद कमेंट बॉक्स में नीचे कि कैसा लगा आपको सैमसंग A70। अगर आप लोग व्लॉगिंग करना चाहते हो, ये कैमरा बहुत ही काफ़ी है, बहुत बेहतरीन कैमरा है ये इसका जो सैमसंग का जो कैमरा, और शुरू कीजिए आपका ब्लॉगिंग इसी में से। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। लाइक्स कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लॉग्स बाय न्यू।